गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन टुडे आई एम टू टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आज से मैं आपको डिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी तो फर्स्ट लेसन है द इंग्लिश अल्फाबेट्स नो वॉट इज एन इंग्लिश अल्फाबेट एंड अल्फाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज इन अ फिक्सड ऑर्डर यूजिंग फॉर राइटिंग क्या है अल्फाबेट वो अक्षर है वो लेटर्स है सेट ऑफ लेटर्स बोलते हैं उसको जो हम लोग एक एक सेंटेंस uh, में या फिर एक वर्ड लिखने में यूज करते हैं उसको अल्फाबेट्स बोलते हैं और द इंग्लिश अल्फाबेट्स और इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं ट्वेंटी सिक्स और दे आर टू टाइप्स ऑफ टू काइंडल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स ओके एंड नाउ कम टू दिस फ्रॉम लेटर्स टू वर्ड्स अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड क्या होता है वर्ड का क्या मतलब है जो जो शब्द जिससे हम लोग को मतलब पता चले उस, उसको बोलते हैं वर्ड इंग्लिश में अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स देखिए एग्जाम्पल है ए बी टी ये कोई वर्ड है कुछ वर्ड है समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा अगर हम बी ए टी बोलते हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये क्या है ये बैट है तो ये हुआ वर्ड ये प्रॉपर वर्ड हमेशा आपको समझ में आनी चाहिए यानी कि उल्टा फुल्टा लेटर्स लिख दिए तो वो वर्ड बन गया नहीं और देखिए यहाँ पिक्चर्स बनी हुई हैं तीन पिक्चर्स हैं बी ओ वाई बॉय जी आई आर एल गर्ल पी एन सी एल पेंसिल ये तीन चीज़ें हैं लुक एट द वर्ड्स गिवन अबव आधे लेटर्स इन एल्फोबेटिकल ऑर्डर्स क्या आपको लगता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स किसको बोलते हैं बच्चों जो ए बी सी डी ई एफ जी सीरियल वाइज जो लिखते हैं ना उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे ये कि सीरियल वाइज लिखा हुआ है नो no. तो आप बोलेंगे नो इट इज नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अंडरस्टूड और चिल्ड्रेन आपकी होमवर्क ये रहेगी कि आपको ए बी सी डी कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में कॉपी में लिख के मेरे को सेंड करना है ओके okay?